हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रंग्स के बारे में। रंग्स क्या होता है, कहाँ लगाते हैं इसको, इसका यूज क्या है और इसका साइज क्या है, सारा डिटेल इस वीडियो में हम समझेंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रंग्स जो है, अंडरग्राउंड टैंक्स जो होते हैं, किसी भी टाइप के टैंक्स हो, चाहे WTP हो, चाहे वो UGT हो, चाहे वो STP हो, हर जगह हर टैंक में ये रंग्स लगाए जाते हैं। और जो चैम्बर होते हैं, 1 मीटर से अबव डेप्थ में जब चैम्बर होते हैं तो वहां भी रंग्स लगाए जाते हैं, क्योंकि पकड़ने का जो का ग्रिपिंग है और जो लैडर सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो जो एल्युमिनियम की लैडर होती है वो लगाने की जरूरत नहीं होती है, इनको परमानेंटली फिक्स कर देते हैं वॉल के अंदर में रंग्स को। तो कोई भी वर्कर्स इजीली नीचे उतर जाता है या नीचे से ऊपर आ सकता है रंग्स के थ्रू। तो ये कैसे लगाते हैं, क्या इसको लगाने का तरीका है, कितने डिस्टेंस पे लगाते हैं, ठीक है ना, ये सारा जानेंगे हम। तो जो भी मेरे सिविल इंजीनियर्स दोस्त मेरे साथी हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को तो जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो जो नॉलेजेबल वीडियो है उन पहुंचता रहे और आप जो है मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख सको और नॉलेज गेन कर सको, साइट पे इजीली और अच्छे तरीके से काम कर सको, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जो रंग्स होते हैं ये PVC रंग्स होते हैं, ये कहलाते हैं इनको, ठीक है ना। तो देखो, इनका जो साइज होता है, ये जो विड्थ है ये 300 की विड्थ है ये, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसकी, ये 455 है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी आते हैं ये, लेकिन हम जो बता रहे हैं ये स्पेशल रंग्स हैं। जो ये जो रंग्स हैं इसकी विड्थ जो है 300 mm है, और इसको जो अंदर इन कास्ट कर देते हैं, इनको जो अंदर कास्ट करते हैं वो 245 mm डेप्थ में कंक्रीट के अंदर या ब्रिक वर्क के अंदर में इसको कास्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इसका जो लेग है ये भी 300 होता है, ताकि ये अच्छे से ग्रिपिंग बना सके और फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये भी लेग 300 का, ये भी 300 का है। अंदर में इनको जो कास्ट किया जाता है 245 किया जाता है, और बाहर में 210 mm इसको निकाल के रखते हैं, ताकि यहाँ पे इसको अच्छे से ग्रिप हैंड से पकड़ सकें और फुट भी रख सकते हैं हम, अपने जो पैर होते हैं हमारे यहाँ इसके ऊपर रख रख रहे हैं। तो ये टिपिकल डिटेल है रंग्स लैडर की। ये आपको जब भी रंग्स लगाने हो तो इसी तरीके से लगाओ आप, इसमें कुछ किसी से सोचने की और पूछने की जरूरत नहीं है, टिपिकल डिटेल है ये, इस तरह से आप लगा सकते हो आप रंग्स को। अच्छा, रंग्स जो लगाते हैं, अगर हमारा चैम्बर है, चैम्बर का साइज 1 मीटर से ऊपर चला जाए, यानी 1 मीटर से 2 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर चला जाए, तो वहां रंग्स लगाना उस चैम्बर में बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि चैम्बर में कैसे रंग्स लगाते हैं। तो देखो, ये हमारा एक मैन होल चैम्बर है और इसकी जो वॉल की थिकनेस है, मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो चैम्बर है, देखो PCC 75 mm की PCC होती है, और इसकी जो राफ्ट की थिकनेस होती है वो होती है हमारी 115 mm राफ्ट की जो है थिकनेस है। और सर, आज हम बात करेंगे रंग्स के बारे में, ठीक है ना। इसके डिटेल के बारे में भी, चैम्बर के डिटेल के बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो देखो, इसकी जो डेप्थ है, इसको डेप्थ जानना जरूरी है, कितनी इसकी डेप्थ है। तो मैं इसके टॉप से लेके और बॉटम तक मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या डेप्थ है इसकी। देखो, इसकी 1654 mm डेप्थ है इसकी। तो 1 मीटर से ऊपर चली गई इसकी डेप्थ, तो हमें रंग्स लगाना चालू कर देंगे हम। तो देखो, हमने रंग्स जो लगाए हैं इसको बॉटम से 755 mm छोड़कर हमने रंग्स चालू किया है। तो लगाने का क्या तरीका है इसका, देखो, यहाँ 750 पे हम पहला रंग्स लगाएंगे, ठीक है, ये जो वाल है इसके साइड से। उसके बाद में 300 mm छोड़ देंगे हम, 300 mm के बाद में फिर एक रंग्स लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे रंग्स, इसके सेंटर से, इस वाले रंग्स के सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी जो है हम 250 रखेंगे। आपको भी 250 ही रखनी है, कहीं भी आप लगाओगे तो 250 ही रखनी है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दूसरा, हम इस वाल के, चैम्बर के जो वाल है इसके फेस से लेके और इसके सेंटर तक 100 mm रखेंगे हम। उसके बाद ही रंग्स के सेंटर से लेके दूसरे रंग से सेंटर तक हम 250 रखेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी था। इसमें तीन चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो नीचे से हम 755 छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में पहला रंग से जो लगाएंगे हम
दो, इसके सेंटर से इस सेंटर तक 200 छोड़ेंगे, और इसके मिड से लेके इसके मिड तक हम 300 mm रखेंगे। तो 300 300 की दूरी पे हमें ये लगाने हैं रंग्स। दूसरा, इसके मिड से इस मिड तक जो है 250 रखना है। तीसरा, इसके वॉल से लेके और 100 mm, इसके सेंटर तक 100 mm की दूरी हमें रखनी है। तो ये टिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है ये, जो आपको जानना है रंग्स लगाने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर हम जो है रंग्स लगा रहे हैं तो 245 अंदर रखना है, बाकी का 210 mm बाहर रखना है, ताकि जो है अंदर अच्छे से इसकी ग्रिपिंग हो सके, कंक्रीट में कास्ट हो जाए अच्छे से, और या ब्रिक में कास्ट हो जाए, ये जो है बिल्कुल लूज ना हो, गिरे नहीं। तो ये एक टिपिकल डिटेल है इसकी रंग्स की, जो आपको जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, बाकी का इसका जो डिटेल है मैन होल का, वो मैं बाद में बताऊंगा। आज आपको यही जानना था कि रंग्स कैसे लगाते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में या कुछ भी डाउट हो, पूछना हो, तो कमेंट्स, आप हमें कमेंट्स में जरूर डालें। तो दोस्तों, ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। अगले वीडियो में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।